सावन शुक्ल पक्ष पंचमी शुक्रवार का पंचांग, तो दिन मान है आपको 32-25 माने कि 13 घंटा का दिन हो जाएगा लगभग, और पांचवी तिथि का मान आपको 147 दिन तक रह जाएगा 1:45 के बाद तक, और पंचमी तिथि और उदय तिथि लेकर मैंने पर्व त्यौहार का मान्यता दिया गया है, तो इसमें 147 तक नाग पूजा सब कुछ कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। रुद्राभिषेक होगा, काल सर्व होकर शांति पूजा होगा, सब कुछ होगा, 147 के पहले शुरू कर ले या 147 के पहले ख़त्म कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, और पर्व त्यौहार उत्सव के रूप में मनाते हैं तो 147 के बाद भी होगा, है ना, प्रसाद चढ़ाना है, खाना है, करना है, पूजा करना है नाग देवता का, तो वो सब कहेगा क्राफ्ट जो भी है वो आपको 147 के बाद भी होगा, इसमें कोई मत नहीं है, क्योंकि पर्व त्यौहार है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, जिस दिन मान्यता दिया गया उस दिन पूरा दिन रात का मान्यता दिया जाता है, स्नान दान वर्त उस समय कुछ फर्क पड़ता है तो वो सब चीज़ नहीं है, इसमें पूरा मान्यता है। तो साध्य योग है, साध्य योग दिन के 3:41 तक, साध्य योग, सिद्ध योग, पूर्णा तिथि ये सब लगभग मिला जुला के एक ही है ना, ऐसा तो कहने में अंतर है तो कुछ अंतर जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर मिला जुला करके समझा जाए तो तीनों एक ही है। सिद्धि मतलब सिद्ध हो जाना यानी कि पूर्ण हो जाना, असाध्य के मतलब पूर्ण कर लेना यानी पूरा कर लेंगे, पूर्णा के मतलब पूर्ण हो जाए तो लगभग एक ही है, ये भी अच्छा योग, इसमें सारा शुभ काम किए जा सकते हैं, और ऐसे तो आप जाने कि सावन भादो में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसके बाद 3-1 शुभ योग आ जाएगा तो अभी शुभ योग शुभ है, मैं शुभ काम करने के लिए लाऊ, इसमें यह नहीं कहता कि आपका काम पूरा होगा कि नहीं होगा, है ना, यह सब कुछ इसमें नहीं, वो सब कहता है कि पूरा होगा लेकिन नहीं कहता है कि पूरा हो, यह कहता है कि शुभ समय है कीजिए अच्छा रहेगा। बालव कर्ण हो गया तो बाहर करता है 6:20-39 कौलव कर्ण, उसके बाद आपको कौलव कर्ण आ जाएगा 48 दिन तक, अमृता जोगा हो जाएगा, अमृता जोग बहुत बढ़िया होता है, है ना, जब अमृत के समान जोग है ना, जो कार्य आपको असंभव लग रहा था नहीं शुरू किए हैं कर लीजिए अच्छा रहेगा, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा ना, तो अमृत के तुल्य है, और ऐसे जोग जो बच्चे जन्म लेते हैं दीर्घायु होते हैं, समझिए कि अमृत की घड़िया पी गया है। और 13 अगस्त हो गया, 20 फसली हो गया, विंशति इत्रोदशी 13 को हो गया, 28 को सूर्य के अनुसार हो गया अष्ट विंशति, और 22 हो गया द्वाविंशति, तुला राशि आपको रात्रि 8:31 के बाद आवेंगे चंद्रमा, तो तुला राशि के चंद्रमा पश्चिम दिशा में चला जाएगा तो पश्चिम और दक्षिण दिशा यात्रा सुपारी हो जाएगा, परंतु शुक्रवार होने के चलते दिशा असुर हो जाता है, तो 8:31 से रात्रि के पहले ही है ना, यानी बतला दिए जैसा आपको यात्रा करना उसके अनुसार काम कीजिए, चंद्रमा शुभ कार्य रहेगा। श्री नाग पंचमी, हमारे यहाँ यही नाग पंचमी मशहूर है, प्रसिद्ध है, बिहार प्रांत हमारे क्षेत्र में जो है सो नाग पंचमी जो है सो सामो शुक्ल पक्ष पंचमी के ही मान्यता दिया गया है, कहीं कहीं पर आपको कृष्ण पक्ष का है, और पंचमी तिथि नाग प्रिय है तो 12वां महीना की पंचमी तिथि को नाग पूजा या नाग शांति काल सदोष का शांति करें। नागा नाम आनंद करी, नागों का नाम जो है आनंदकारी है, यानी कि 12 नाम या 10 नाम नागों का प्रसिद्ध है, उनका नाम लेने से कल्याण होगा, आनंदकारी होगा, सर्प भय नहीं रहेगा, सर्प विश्व भय का दोष का हनन होगा, इसलिए नव नाग स्त्रोत्र या नाग स्त्रोत्र या नाग स्तुति करें, और आज के दिन करने का ज़्यादा महत्व है। भित्याद्यो लिखिता निम्नमयादि नागा पूजा कह रहा है कि फीति पर मैं दीवार पर है लिखने के लिए कहता है और उसको पूजा करने के लिए कहता है, बहुत से यहाँ लोग के यहाँ जिनके यहाँ नाग पूजा होता है वो दीवार पर भीति पर
माने सांप नाग नागिन का डिजाइन बना करके गोबर से, गाय के गोबर से, फिर उसको चारों चकोन चतुर्भुज से घेर देते हैं और उसको लोग पूजा करते हैं, क्योंकि साक्षात नाग तो पूजा करना संभव नहीं है, उचित भी नहीं है। तो यही नाग पूजा हुआ, नाग पंचमी हुआ। इसमें दूध लावा का महत्व होता है, दूध लावा लोग चढ़ाते हैं। तो केवल दूध लावा नहीं चढ़ाइए, जल चढ़ा कर स्नान करा दीजिए, उनको कपड़ा दीजिए, वस्त्र पहना दीजिए, उसके बाद चंदन टीका कर दीजिए, नाग के नागिन के सिंदूर से कर दीजिए, उसके बाद अक्षत चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ाइए चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, आरती कीजिए, दिया दिखाइए, ये सब पूजा करना होगा। और इनको चंदन प्रिय है, मीठा का प्रिय है ना, मधुरम ना, तो मधुर संगीत हो, संगीत मधुर संगीत, जैसे और मधुर मीठा भोजन चाहिए, मधुर रस चाहिए, जीभ का स्वाद मधुर, नाक का स्वाद मधुर, दिमाग के लिए भी संगीत मधुर चाहिए, मधुर प्रिय हैं। काश्याम नाग को पूजा यात्रा शास्त्र चर्चा च, काश्य जी में नागकूप में नागों की पूजा होगी, वहाँ पर शास्त्रार्थ होगा। शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि बड़े बड़े विद्वान लोग किसी विषय पर चर्चा करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, और उसमें होता है कि कौन ब्राह्मण ज़्यादा ज्ञानी उस विषय पर, किसी एक विषय पर शास्त्र में, धर्म शास्त्र में चर्चा करते हैं, वाद विवाद होता है, झगड़ा झंझट मारपीट ना, वाद विवाद होता है, तर्क शास्त्र होते हैं, तर्क देते हैं लोग, और इस पर सिद्ध होता है कौन ब्राह्मण कितना जानकार है। तो यह ज्ञान की बात हुआ। और पहलवान लोग जो है ना, वो अपना बल का मैंने कि प्रदर्शन करते हैं, अखाड़ा लड़ते हैं, तलवारबाजी करते हैं, लाठी बांधते हैं, शस्त्र का प्रयोग करते हैं, और लोग सिद्ध करते हैं कि हम अपने गांव भर में या जवार भर में, पंचायत में, ब्लॉक जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर हम सबसे बड़ा पहलवान है ना। तो ये शक्ति का प्रदर्शन करने लोग पहलवान लोग कहलाते हैं, और विद्या का प्रदर्शन करने लोग विद्वान लोग, जो विद्या का प्रदर्शन करेंगे वो लोग विद्वान कहलाएंगे, और उसमें निर्णय होगा कि सबसे बड़ा विद्वान कौन है, और प्रयोग करने वाले लोग बलवान कहलाते हैं, पहलवान कहलाते हैं। तो आज का दिन ये सब के लिए मशहूर है, तो ये सब आपको करना चाहिए, या ज्ञान प्राप्त करिए। इसके बाद लिखता है कल्कि जयंती, माने कलंकी जो कलयुग में कल्कि अवतार होगा उनका जन्म आज ही के दिन। अच्छा, इसमें एक छूट गया है, तक्षक पूजा। तक्षक पूजा, तक्षक पूजा के मतलब होता है तक्षक नाग का ही एक जाति हुआ, एक रूप हुआ। नाग अनेकों प्रकार के होते हैं, जन्म कुंडली में 12 भाव है तो 12 नाम ज्यादा प्रसिद्ध है, उसी में एक तक्षक नाग भी आते हैं। तो तक्षक नाग बिल्कुल तो पूरा नहीं देखे हैं ना, तो गेहूमन है तो गेहूमन के जैसा फन होगा ही, फाए फाए करेगा ही, बोलेगा ही, ये भी बोलेगा है ना, ये सांप का आवाज है, नाग का आवाज है, तीन चार प्रकार का होता है, एक ऐसे बोलते हैं, दूसरा होता है ऐसे होता है, तीसरा फाए फाए वाला, तो आप लोग जरूर सुने होंगे। और ये तक्षक नाग का रंग जो है सो कथई रंग का लाल होता है, कथा रंग का लाल रंग का होता है, ये तक्षक नाग का पहचान है। और जहाँ कहीं भी आपके घर आंगन हो, या बाग बगीचा हो, या जंगल झाड़ हो, या कहीं स्थान पर यदि पक्कल कटहर का कोआ का गंध आ रहा हो, और पक्कल कटहर का कोआ कहीं है नहीं या उसका सीजन ही नहीं है, जैसे सावन में पक्कल कटहर कोआ मिलता है, तो उस तरह का गंध यदि आपको लगे, तो यदि आजकल का सीजन है तो हो सकता है कि पक्कल कटहर का कोआ कहीं आसपास हो, और देख लीजिए है तो ठीक है, और नहीं है और गंध आ रहा है तो समझिए कहीं पर कहीं नाग का प्रसिद्ध है, यहाँ आसपास में कहीं नाग है ना, तो नाग का अब शरीर से गंध निकलता है, और वह गंध है सो पक्कल कटहर कोआ की तरह होता है। तो जो लोग इस बात को जानते हैं
वो कहेंगे बाबा सही कह रहे हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं कभी देखे पहचाने हैं, तो वो कह देंगे कि गलत है। लेकिन सही है, नाग जहाँ पर रहता है, और नागों में अनेकों प्रकार का जातियाँ होता है, सबका अलग अलग बगीचा होता है। और नाग जहाँ पर एक नागमणि का भी चर्चा होता है, तो बहुत विषैला नाग होता है, और वो जहाँ पर होगा वहाँ पर आप नहीं जा पाइएगा, क्योंकि वो राजा है, तो राजा के साथ प्रजा होता है, यानी उसके आसपास बहुत सारे नाग अनेकों प्रकार के सांप लोग होते हैं। जब राजा के आसपास मंत्रिमंडल, सेनापति, सेना, सेनाध्यक्ष सब लोग होते हैं, तो वहाँ जाना संभव नहीं होता है। और वो जहाँ रहेंगे ना, अब शायद आप पहुँच गए तो आपको देह में खुजली हो जाए, खुजली खुजला हाथ पूरा देह मुस्ते रखी है, यानी कि उनका विष का प्रभाव जो है सो हवा में व्याप्त हो जाता है। जो विष छोड़ते रहते हैं, फेंफा करते रहते हैं, निकालते रहते हैं शरीर से, ज़्यादा हो जाता है तब, या निकलते रहता है, और हवा विषैला हो जाता है, इतना विषैला हो जाता है कि आपको शरीर में खुजली उत्पन्न कर देगा, ज़्यादा जाने पहुँच सकता है कि मृत्यु भी हो जाए। जैसे कृष्णा अवतार में कलिया नाग का वर्णन आया है, कृष्णा का जल भी दम काला कर दिया था, जहरीला कर दिया, पूरा जमुना नदी का जल कलिया दह के पास दम काला हो गया था, जहरीला हो गया था, जिसको पीने से लोग मर जाते थे। हम गए वहाँ पर, कलिया नाग को भी दर्शन किए हैं, मैं साक्षात दर्शन किए हैं, ऐसे तो पत्थर का मूर्ति भी बना हुआ है काले रंग का, कलिया नाग का, और जमुना नदी में हम काली नाग को दर्शन किया है, कलिया नाग को ना पूजा उनको नहीं किए हैं, देखे हैं। तो ये नाग के विषय में हुआ। तो नाग बहुतों रंग के होता है, उजला होता है, काला होता है, पीला होता है, बहुत रंग का होता है। काश्याम नाग कूप यात्रा हो गया, कल के जल हो गया, अब आ जाइए रवि जोगा 9:06 में, दिन में 9:09 के बाद से रवि जोग आता है। रवि योग है सो शुभ योग है, इसमें शुभ काम किए जाते हैं। कुछ अशुभ दोष जो इसमें से चर्चा किए हों या हो तो उसको यह निवारण कर देता है। शुक्र नंदा सिद्ध योग 20:39 पर दिन के 147 के बाद से, तो शुक्रवार के नंदा तिथि मिलने के चलते सिद्ध योग बन गया। तो इसमें भी जो कार्य पूरा करें, शुरू करेंगे और सिद्ध हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, सिद्धि करें। अश्रेषा चार चरणे रवि 54:50 राति 3:27, यानी कि अश्रेषा नक्षत्र का चौथा चरण का शुरुआत आज आपको भोर में 3:30 3:27 से हो जाएगा। यही आज का पंचांग हुआ। तो मेरा कार्यक्रम आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर कीजिए, और नहीं कुछ करिएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। काला रंग के है तो उसको छोड़ कर काला कर दीजिए, और काला रंग है तो छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।